हाय एवरीवन, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आज बात होगी डेक्कन चार्जर्स की। आपको याद होगा ना, वही टीम जिसका हिस्सा रोहित शर्मा हुआ करते थे और वही टीम जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने कप्तानी की। ये टीम क्योंकि शुरुआती वक्त में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब ये टीम आईपीएल का हिस्सा थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो जो करार जो कि समझौता हुआ था बीसीसीआई और डेक्कन चार्जर्स के बीच में, उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत बहुत धीमी हुई थी, कुछ शानदार परफॉर्मेंस डेक्कन चार्जर्स की टीम के द्वारा नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि 2009 का वो वक्त आपको याद होगा जब एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स ने जीत हासिल की थी। आरसीबी को उसने हराया था, उसके बाद उसने सबको चौंका दिया था। लेकिन उसके बाद उम्मीदें जगी थी कि आने वाले आईपीएल्स में बहुत शानदार परफॉर्मेंस ये टीम कर सकती है। लेकिन उसके बाद 2012 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया बीसीसीआई की ओर से, और जो आरोप लगाया गया वो इररेगुलरिटीज़ के आरोप लगाए गए और इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को बीसीसीआई ने ख़त्म कर दिया। हालांकि बाद में इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे और उसके बाद जो डेक्कन चार्जर्स की टीम थी वो वहाँ पर जो तमाम प्रबंधक थे उन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद आपसी समझौते से तय हुआ कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। उसके बाद एक रिटायर्ड जज को बतौर आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया वहाँ पर, और उसके बाद बात सुलह की भी निकलकर सामने आई और उसके बाद तमाम पहलुओं पर जो जाँच थी वो हुई। और अब जो नियुक्ति वहाँ पर आर्बिट्रेटर की हुई थी उसमें फैसला जो आया है वो डेक्कन चार्जर्स के हित में आया है। यानी कि ये फैसला लिया गया कि दरअसल डेक्कन चार्जर्स जो है वो उस वक्त ठीक था और बाकी बीसीसीआई की ही वहाँ पर गलती थी। और उसके बाद अब एक कड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया कि अब बीसीसीआई को जुर्माने के तौर पर 4,800 करोड़ रुपए डेक्कन चार्जर्स को देने होंगे। और अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई, क्योंकि एक झटके के तौर पर इसे ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उसे ख़त्म कर दिया गया था 2012 में। लेकिन अब बीसीसीआई के पास एक ऑप्शन भी है कि बीसीसीआई इसको लेकर वहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तभी जाकर कुछ उम्मीद निकल कर सामने आएगी और तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर सबमिट करा सकता है और इस फैसले को चुनौती दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके से वहाँ पर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हुई और उन्होंने जिस तरीके से फैसला डेक्कन चार्जर्स के हित में लिया, उसने डेक्कन चार्जर्स के लिए काफ़ी खुशी के लम्हों को ज़रूर ईजाद कर दिया। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि बीसीसीआई क्या कोर्ट का रुख करती है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इसी बात की तस्दीक करते हैं कि बीसीसीआई का अगला जो कदम है वो यही होगा। आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि चंद दिनों में इस पर लेकर भी कुछ फैसला आ जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।